आओ साथ सिंगर जी, सबने अपने अपने रसना पवित्र करनी है और मेरे साथ ऐसे बनाना भैया ऐसे। आओ साथ सिंगर जी, थोड़ा सा समय लेना है और थोड़े से समय में मैंने अपनी बात को कहना है, तो सबसे मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और ऐसे ही शांति प्रिय ढंग से बैठे रहेंगे। अपनी रचना को पवित्र करने के लिए सात संगत जी मेरे साथ सामने सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए संत श्रीमद श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरु स्वामी रामदास जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आओ शासक जी, आज का दिन आपको सबको पता है कि ये जो आज हर साल की बात यहाँ पर परम पूजनीय वंदनीय है सदगुरुदेव रामदास जी महाराज का जो बरसी समागम है उसके उपलक्ष्य में ये समागम होता है, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है शासक जी कि आज आप बाबा रामदास जी महाराज के चरणों से उनके नाम से उनकी वाणी से जो प्रेम करते हैं आज इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है, और जो कुछ लोग नहीं अभी आए हैं उनको हमने प्रेरणा देनी है कि अगले आने वाले समय में वो यहाँ पर जरूर आना है, क्योंकि ये स्वामी रामदास जी महाराज के साथ संगत जी तपोस्थली है, यहाँ पर उन्होंने अपना जप किया है, तप किया है, संयम किया है, साधनाएं की है। सो आज का जो दिन है साथ संगत जी, जिसके जीवन में सत्संग मिल जाए तो उसके जीवन में सब कुछ मिल जाता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रो, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर जो। सतगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। हर साहिरा छाड़ के करे आन किया, ते नर दो जग जाएंगे सतपा से रविदास। प्राधीनता पाप है जान लो रे मन मीत, रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। तो आज के सत्संग में, आज की ज्ञान चर्चा में मेरे समक्ष बैठी हुई मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग, जो आज बच्चे नई नई पोशाकें पहनकर इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं, और संत महापुरुष शासन जी
जगह जगह से यहाँ पर आज ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। समाज का पहला तो जो दिन है वो इसलिए हम मना रहे हैं कि आज हमारे जो परम वंदनीय हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया और मुझे क्या सभी को इसका जीता जागता उदाहरण यह है सत्संग जी। आज हम स्वामी रामदास जी महाराज के पदचिन्हों के ऊपर चलते हुए उनकी बात को जिसने जिसने माना है, आज वो यहाँ पर ये संत दर्शन के लिए, ये ज्ञान चर्चा के लिए यहाँ पर आया है। तो इसलिए दूसरा आज सत्संग जी, आज हम जो जगह जगह पर जन्म ना रहे हैं, जो आज का महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक दिन है, जैसे मेरे से पहले हमारे महात्मा जी ने, प्रवीण जी ने आपको बताया है सत्संग जी कि आज एक ऐसी महान विभूति का जन्म है। आज के दिन इस भारत की धरा के ऊपर एक ऐसी महान आत्मा ने, एक ऐसे महान समाज सुधारक ने, विचारक ने जन्म लिया, जिसको हम बड़े प्यार और सत्कार और आदर के साथ महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म उस समय हुआ जब भारत के अंदर छुआछूत थी, लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था और किसी एक विशेष धर्म के लोग ही इस भारत के ऊपर शासन करना चाहते थे। तो भारत की बड़ी दयनीय दशा थी। ऐसे समय में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने एक बहुत ही साहस का कदम उठाया और शिक्षा की अलख जगाई, जन जन में अलख जगाई। तो मैंने उनके इतिहास में ऐसे पढ़ा है सत्संग जी, महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के लिए अलख जगाई। जो जब उनकी कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, उनका विरोध करते थे, खासकर मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को यह सत्संग जी संदेश देना चाहूंगा कि आज के दिन हमने सारी, मेरी बहनों ने, माताओं ने, खासकर जो हमारी बहन बेटियां शिक्षित हैं, शिक्षा ले रही हैं, शिक्षा ले चुकी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही प्रेरणा का दिन है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्संग जी अपनी जो धर्म पत्नी सावित्री बाई फुले जी को शिक्षित किया और भारत की सबसे पहली जो शिक्षिका थी, जो हमारे नारी समाज का बहुत बड़ा गौरव, जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई और हमारी बहन बेटियों को बड़े मान और सम्मान के साथ जीना सिखाया। सो आज हमने उनके पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। इस समाज के अंदर सत्संग जी देखो, हम गाने भजन तो हर रोज सुनते हैं, लेकिन आज हमने यहां से वो सीख लेकर जानी है, जिस शिक्षा को लेकर, जिस दीक्षा को लेकर हमारा जो दुबला कुचला जो समाज है, जो अधिकारों से वंचित समाज है, वो ऊपर उठ सके, उसके जीवन का उत्थान हो सके। तो आज हमने सत्संग जी महात्मा ज्योतिराव फुले जी के और सावित्री बाई फुले जी के आदर्शों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और खासकर हमारी जो बहन बेटी हैं, जो नारी शक्ति है, उसको लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस समाज में, इस भारत की धरा के ऊपर दो ही एक महान विभूतियां ऐसी हुई हैं सत्संग जी, विश्वरतन भारत के संविधान के निर्माता, नारी के भाग्य विधाता और हमारे सबके जीवों के संरक्षक परम पूजनीय वंदनीय विश्वरतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा सत्संग जी, जो समाज शिक्षाहीन होता है, जो समाज लक्ष्यहीन होता है, जो समाज विवेक से हीन होता है, जिस समाज को वास्तविकता का ज्ञान न हो, तो वो समाज कभी भी उत्थान की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो आज हमने आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन का सुधार और उद्धार करने के लिए अपने महापुरुषों के पदचिन्हों के ऊपर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सत्संग जी संविधान रचकर एक हमें
अपने जीवन का उत्थान करने का एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। सो इसलिए आज हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग, उनके द्वारा जो कहा गया जो मंत्र, शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना, ये जो इंसान तीन महामंत्रों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चय उसके जीवन का उद्धार और सुधार हो जाया करता है। दूसरा सत्संग जी, आज का जो हम ये जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी का और अपना सावित्री बाई फूले जी का और स्वामी रामदास जी महाराज का, जो उन्होंने हमें आदर्श दिए, जो उन्होंने हमें सिद्धांत बताए, जो उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। तो सत्संग जी, मुझे बाबा जी से बहुत मिलने का, बड़े नजदीक से मिलने का समय मिलता था, तो गुरु जी हमें इतना प्यार देते थे कि मैं उनके प्यार को, स्वामी रामदास जी महाराज के प्यार को, आज मुझे बड़ा महसूस सा हो रहा है, उनकी याद आ रही है कि आज वो अपने शरीर रूप में नहीं है, तो बेशक वो अपने शरीर रूप में नहीं है सत्संग जी, हमारे पास में अपने महात्मा रिंकू जी जैसे और उनके जो और बेटे हैं वो सभी आज की सेवा में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे सत्संग जी बहुत अच्छा लगा है। तो वैसे ही हमने अगले आने वाले समय में भी ऐसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपने संतों महापुरुषों के बताए गए मार्ग के ऊपर प्रशस्त होना है। तो जो कुछ भी हमने मिला है, हमने सत्संग जी यहीं से पाया है, सभी संतों महापुरुषों से कुछ ना कुछ हमने अच्छा सीखा है और अच्छा सीखना ही चाहिए हमेशा सत्संग जी, हमने कुछ ना कुछ जीवन में सीखता रहना चाहिए। सुबह पाया है मैंने जो कुछ भी, तेरे ही दर से पाया है, अब बरस रही रहमत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया है। तो गुरु जी से हमने देखो, क्लास में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, कोई कुछ सीख के चला जाता है, कोई कुछ सीख के चला जाता है, लेकिन जो सीखने वाला होता है वो सीख ही जाता है जिसने कोई ना कोई शिक्षा लेनी होती है। तो जीवन के अंदर उच्च से उच्च लेवल की शिक्षा और अच्छे लेवल की जो ज्ञान दीक्षा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सत्संग जी आओ, एक शब्द मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जिससे हम सबको प्रेरणा मिलेगी, और मुझे रिंकू ने, महात्मा रिंकू जी ने थोड़ा सा समय दिया है, मैं चाहता हूँ उस समय से ज्यादा समय ना लूं, अपनी बात को मैं इसी में कहूँ। आओ सत्संग जी, महात्मा जी मेरा लाखों रुपए दमड़े देकर जो है मान सम्मान कर रहे हैं, और सत्संग जी सबने अपनी माया में से थोड़ा थोड़ा आज देकर जाना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा ये पंडाल लगाया हुआ है, इसका सारा खर्चा वर्चा भी अपना महात्माओं के ऊपर, इनके ऊपर बोझ ना बने, हम सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है। और जो मुझे भाई लोग ये बहने ये मुझे माया बख्श रहे हैं, लाखों दमड़े दे रहे हैं, इनको सत्संग जी सब यहाँ पर गुरु जी के दरबार में, क्योंकि इनकी ही कृपा से, इनके ही सत्संग जी हमें, इनकी दया मेहर से ही आज का जो है आप सब संत महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुबह महात्मा जी अपने जड़ौत वाले में मेरा बहुत बहुत लाखों दमड़े देकर मान कर रहे हैं सत्संग जी आओ। सभी बहनों ने आज की खुशी का इजहार करना है कि आज हमारे गुरु को हम किस तरह से कितने अपने भावों से याद करते हैं। तो महात्मा जी मेरा लाखों रुपए दमड़े देकर जो ऐसा सत्संग जी मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ, पाया है मैंने जो कुछ भी, तेरे ही दर से पाया है, अब बरस रही रहमत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया है। आओ सत्संग, पाया है मैंने जो कुछ भी, तेरे ही दर से पाया है, अब बरस रही रहमत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया है। आओ भाई, सभी बहनों में जुड़ना है, आनंद मनाना है, और आज झोलियां भर के जानी है, और इतनी भर के जानी है कि सारा साल हमारे पास वो हमारा काम चलता रहे। आओ भाई, बोलो सदगुरु भगवान की जय। अपना मुख भी खोलना है और अपने हाथ भी खोलने हैं, हाथ खोलने से हमारे बहुत रोग दूर होते हैं, और मुख खोलने से हमारे संतों महापुरुषों की जो पावन वाणी है हमारी रचना के द्वारा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है और हमारा मन बुद्धि चित्त सब कुछ सकुन मनाता है। आओ, पाया है मैंने जो कुछ भी तेरे दर से पाया, पाया है मैंने जो कुछ भी तेरे ही दर से
माइक भी करो ना ये। शक्ति हो मेरी रग रग में, भक्ति हो मेरे जीवन में। शक्ति हो मेरी रग रग में, भक्ति हो मेरे जीवन में। ओ शक्ति हो मेरे तन मन में, भक्ति हो मेरी रग रग में। शक्ति हो मेरे तन मन में, भक्ति हो मेरे रग रग में। भक्ति हो मेरे जीवन में, तेरा दास ये अर्जी लाया। भक्ति हो मेरे जीवन में, तेरा दास ये अर्जी लाया। उपाया है मैंने जो कुछ भी तेरे दर से पाया है। ओ अब बरस रही रह मत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया है। अब बरस रही रे मत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया है। मत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया। अब बरस रही रहमत तेरी, सतगुरु तेरा सर पे साया है। सतगुरु तेरा सर पे साया है, सतगुरु तेरा सर पे साया है, सतगुरु तेरा सर पे साया। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि भाई महात्मा रिंकू जी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य पूरा करूं, एक बार फिर मैं आपसे आह्वान करूंगा, जितने भी मेरी